हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक पैटिस की रेसिपी लेके आई हूँ, और जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसके अंदर मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है और 1/4 चम्मच जो है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और घी को अच्छी तरह से उसके अंदर मैंने मिक्स कर लिया है। बस मिक्स ऐसे करना है कि बहुत ज़्यादा जो है डो जो है वो मतलब थोड़ा सा घी वाला बन जाए, और फिर उसके अंदर वो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने एक टाइट आटा गूंद लेना है। लेकिन जो आटा है वो बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, और थोड़ी देर आप इसको ढक के रख दें। उसके बाद में हमने इसकी फिलिंग बनानी है पैटिस में डालने के लिए, और पैटिस में फिलिंग डालने के लिए आप पैन में थोड़ा घी या तेल कुछ डाल दें, जीरा डाल दें और उसके अंदर आलू डाल दें, उबले हुए आलू डाल दें, प्याज डाल दें और थोड़े से कॉर्न डाल दें उबले हुए। और पहले प्याज को अच्छी तरह से भून लें, और बहुत ज़्यादा लाल नहीं करने हैं प्याज। और फिर उसके बाद में उसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें और धनिया डाल दें थोड़ा, और उबले हुए मटर डाल दें, और उबले हुए ही हमने इसके अंदर कॉर्न डालने हैं, और थोड़ी हल्दी डाल दें और 1-2 मसाले डाल दें। उबले हुए आलू डालने के बाद में उनको अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लें, और फिर मिक्स करने के बाद में मिर्ची वगैरह डाल दें और आप एक चटपटा सा मसाला बना लें और गरम मसाला डाल लें और 1-2 चीज़ें और अपने मसाले डाल के अपने स्वाद अनुसार जो है थोड़ा सा काला नमक भी जरूर डालें। इससे जो होता है मसाले का जो टेस्ट होता है वो बढ़िया बन जाता है। और नींबू डाल दें, आप चाहें तो इसमें पनीर को भी क्रश करके डाल सकते हैं, और एक बहुत ही बढ़िया मसाला बन जाएगा। उसके बाद में हमने इसकी फिर स्लरी बनानी है, और स्लरी बनाने के लिए उसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल दें और मैदा डाल दें और थोड़ा सा घी डाल दें, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और एक गाढ़ी स्लरी बना लें। फिर हमने मैदे के जो है पेड़े बना लिए हैं, और उनकी आपने रोटियाँ बना लेनी हैं। जैसे मैंने 4 रोटियाँ पहले बनाई हैं, और 4 रोटियों को ऐसे रोटी के साइज़ में बना लें, और फिर एक एक जो रोटी है उसको आप ले लें, और उनके बीच में जो हमने ये स्लरी बना के रखी है इसको आप लगा दें 1-1 चम्मच, और वापस जो है फिर दूसरी वाली रोटी भी इसी के ऊपर डाल दें, और फिर उसके अंदर आप स्लरी लगा दें, फिर तीसरी रोटी। इस तरह से हमने 4 रोटी जो है उनके ऊपर एक के ऊपर एक रखनी है और स्लरी जो है लगा देनी है। लास्ट वाली के ऊपर जो है फिर स्लरी नहीं लगानी है, और फिर उसको वापस जो है आप उसको एक बड़ी सी रोटी के अंदर और बेल लें। मैंने वो चकला मेरा बहुत बड़ा नहीं था, तो मैंने एक बड़ी प्लेट ले ली है और उस पर रख कर उसको अच्छा बड़ा बेल लिया है। और जब बेलने के बाद में फिर उसके बाद में मैंने एक कटोरी ले ली है, और कटोरी से उसके 4 जो हैं उसमें से मैंने ऐसे राउंड शेप में पीसेस निकाल लिए हैं। ऐसे कटोरी से अब दबा के बड़े आराम से पीसेस निकल जाते हैं। इस तरह से जो मैंने बनाई थी ये पैटिस बहुत ही क्रिस्पी बनी थी, बहुत ही क्रंची और बहुत ही स्वाद थी। आप ज़रूर जो है ये वाली पैटिस एक बार जरूर बनाएं। और फिर इसके बाद में मैं चारों के चारों जो है मैंने ये इसमें से जो पीसेस निकले हैं उनको मैंने अलग कर लिया है, और उसके बाद में एक एक ले लिया है 4 लेयर वाली, एक जैसे पूरी के साइज़ में निकल आए थे ये। और फिर इसमें दबा दें इसको साइड से, चाहें तो थोड़ी स्लरी लगा लें, नहीं तो वैसे भी दब जाते हैं। और इसको अच्छी तरह से फिर आप पैक कर लें सबको, और पैक करने के बाद में फिर हमने इनको अच्छी तरह से तेल पहले आप गर्म कर लें, फिर उसको आप स्लो कर दें। बहुत ज़्यादा तेज़ गैस पर जो है हमने इसको नहीं बनाना है, और तेल जो है पहले अच्छी तरह से खूब गर्म कर लें, उसके बाद स्लो कर दें। और फिर उसके बाद में आपकी कढ़ाई में जितने भी एडजस्ट हो जाती हैं 3 या 4 ये पैटीज जो हैं एडजस्ट हो जाती हैं, तो वो लगा लें, स्लरी भी लगा लें। इनको जब पैक करना है तो साइडों में इसको स्लरी लगा के अच्छी तरह से पैक कर लें, और फिर उसके बाद में इसको हमने फ्राई करना है। आप इसको डीप फ्राई करें, स्लो फ्लेम पे डीप फ्राई करना है, दोनों साइड पे एकदम बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर की हो जाती हैं। बट बहुत तेज़ गैस पे नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर 4 लेयर्स हैं और 4 लेयर्स को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। लेयर्स हैं तो पतली पतली, लेकिन उनको क्रिस्पी करने के लिए एकदम स्लो गैस पे ही करना होता है। बहुत ही हल्की,
बहुत ही लाइट और बहुत ही क्रिस्पी बनी थी। ये पैटीज बहुत ही खाने में मज़ेदार थी। एक बार ये आप इस तरह की जो पैटीज है आप ज़रूर बनाएं और इसके आप मज़े लें, चटनी के साथ, हरी चटनी, जो भी आपकी मनपसंद चटनी हो उसके साथ में इन पैटीज के आप मज़े लें। जब ये अच्छी तरह से गोल्डन कलर की हो जाए, आप देख रहे हैं कि इनका कलर कितना प्यारा आया है और बहुत ही स्वाद बनी थी। आप ये पैटीज को ज़रूर बनाएं और फिर आप मेरा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।